Assalamu alaikum to all my little kids. How are you all? I hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to explain you class 1 unit 9 poem Clouds, and this is your part 2. स्टूडेंट्स बेटा, ये वीडियो में मैं आपको क्लास 1 का जो यूनिट नंबर 9 है उसकी जो पोएम है क्लाउड्स, उसका सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करूँगी. सेकेंड पार्ट में आपका CW एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन होगा एज वेल एज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन होगा. ओके बेटा, बट बिफोर एक्सप्लेनिंग सेकेंड पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू सम लिटिल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम क्लाउड्स. बेटा आपको ज़रूर पता होगा देर आर थ्री सीजन, दैट इज समर, विंटर एंड मॉनसून, है ना. विंटर पहले आती है, उसके बाद समर आती है, उसके बाद मॉनसून आती है ना. विंटर में कोल्ड वेदर कैसा होता है? कोल्ड. समर में कैसा होता है? हॉट. और मॉनसून में कैसा होता है? रेनी, है ना. सो ये जो पोम है हमारी क्लाउड्स के ऊपर है. सो ये पोएम में क्या था बेटा, वेदर कैसा था? एकदम हॉट था. सो हर कोई उससे टायर्ड हो गया था कि ये वेदर कैसा है, एकदम हॉट है. और हर कोई बच्चा क्या सोच रहा था कि अभी बादल आएगा और वो बारिश लेके ज़रूर आएगा. सो ऐसे ही बच्चे बाहर खेलते होते हैं और एक छोटा सा बादल दिखाई देता है, और वो जो छोटा बादल है वो अपने साथ बहुत सारे बादल लेके आया हुआ होता है. और वो जो बहुत सारे बादल आते हैं तो आपको पता है क्या होता है बेटा? रेन होता है ना. जैसे अभी आपने भी देखा होगा, ये दो तीन दिन से हमारे इंडिया में भी बारिश हो रही है, आपके घर के पास भी हुई होगी, है ना बच्चों. सो ये जो बहुत सारे बादल हैं वो क्या लेके आए? बारिश लेके आए. और बारिश जैसे ही गिरी वैसे ही वेदर कैसा हो गया बेटा? बारिश होने की वजह से वेदर कूल हो गया. सो बच्चे बहुत खुश होके पानी में खेलने लगे, बोट बना के पानी में खेलने लगे. फिर घर से बाहर निकल आए. कि क्यों बाहर निकल आए? रेन आए, है ना. सो खेलने के लिए बारिश में सब बच्चे बाहर निकल आए हैं. सो ये है आपका एक्सप्लेनेशन है क्लाउड्स पोएम का. ओके, तो चलो हम लोग आज पार्ट 2 देखेंगे जिसमें है आपकी एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन. ओके बेटा, लेट्स प्रोसीड टू योर वर्ड्स टू लर्न. फर्स्ट हम लोग CW एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है वर्ड्स टू लर्न. वर्ड्स टू लर्न नंबर 1 हॉट, नंबर 2 ब्लू, नंबर 3 लिटिल, नंबर 4 लुकिंग, नंबर 5 मोव, नंबर 6 कम, नंबर 7 ब्रिंग, नंबर 8 रेन, नंबर 9 सिंग एंड नंबर 10 डांस. नंबर 1 क्या है बेटा? हॉट मीन्स गर्म. नंबर 2 है ब्लू मीन्स कलर है. नंबर 3 है लिटिल. नंबर 4 है लुकिंग. नंबर 5 मो. नंबर 6 कम मीन्स आना. नंबर 7 ब्रिंग मीन्स कुछ लाना. नंबर 8 रेन. नंबर 9 सीन एंड नंबर 10 क्या है बेटा? डांस. नाउ स्टूडेंट्स, अब समझ में आ गया होगा ये वर्ड्स टू लर्न नंबर 1 to 10 है. नाउ लेट्स प्रोसीड टू नंबर 11 कूल, नंबर 12 अगेन, नंबर 13 स्काई एंड नंबर 14 क्लाउड्स. सी वंस अगेन, नंबर 1 हॉट, नंबर 2 ब्लू, नंबर 3 लिटिल, नंबर 4 लुकिंग, नंबर 5 मो, नंबर 6 कम, नंबर 7 रेन, नंबर 8 रेन, नंबर 9 सिंग एंड नंबर 10 डांस. नंबर 11 कूल, नंबर 12 अगेन, नंबर 13 स्काई एंड नंबर 14 है क्लाउड्स. नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर गिव मीनिंग. यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा? आपके CW में गिव मीनिंग लिखना है ना. बट अभी ये जो है वो एक्सप्लेनेशन के लिए है, जब मैम PDF भेजेंगी तब भी आपको आपकी CW में लिखना रहेगा. ओके बेटा, फर्स्ट है गिव मीनिंग क्लाउड, दैट मीन्स मास ऑफ वाटर. नेक्स्ट है कूल. कूल का मतलब क्या होता है बेटा? नाइदर कोल्ड
नॉर वॉर्म मीन्स बहुत ठंडा भी नहीं और बहुत गर्म भी नहीं. ब्रिंग ब्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टू कम विथ समथिंग मीन्स कुछ लेके आना. कभी हम मम्मी हमारे लिए बाजार जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो हमारे लिए कुछ लेके आते हैं, तो आप कभी कभी मम्मा को पूछते हैं, माँ कुछ ब्रिंग करके लाए मेरे लिए, कुछ लेके आए, है ना. सो ब्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा? टू कम विथ समथिंग. सी हियर क्यू मीनिंग नंबर वन है क्लाउड, दैट मीन्स मास ऑफ वाटर. नेक्स्ट है कूल, दैट मीन्स नाइदर कोल्ड नॉर वॉर्म. नेक्स्ट है ब्रिंग, दैट मीन्स टू कम विथ समथिंग. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको गिव मीनिंग समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर आंसर द फॉलोइंग. बेटा जब भी आप आंसर द फॉलोइंग लिखते हो पहले आपको क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, ओके, और उसको समझ के उसके बाद ही उसका आंसर लिखना रहेगा, ओके बेटा. आपका क्वेश्चन नंबर वन क्या है देखो बेटा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है. नंबर वन है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था बेटा स्काई का कलर कैसा होता है, आपको आंसर देना रहेगा बेटा. नाउ गिव मी आंसर, ब्लू. राइट बेटा, आपका आंसर क्या है? ब्लू. सो आपको सिर्फ ब्लू नहीं लिखना है बेटा, आपको आंसर जो है वो फुल सेंटेंस में लिखना रहेगा. सो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे से आपको स्टार्ट करना होगा द, है ना, आपको पहले ये द यहाँ पे लिखना रहेगा. द स्काई इज ब्लू इन कलर, ओके. आप ऐसे भी लिख सकते हो द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, ओके बेटा. आपका आंसर क्या लिखना रहेगा? द स्काई इज ब्लू इन कलर. नंबर टू, वॉट डू द क्लाउड्स ब्रिंग. क्लाउड्स जो हैं वो अपने साथ में क्या लेके आते हैं? सो आपका आंसर है द क्लाउड्स ब्रिंग. यहाँ पे से आपको आंसर को कॉपी कर लेना है द क्लाउड्स ब्रिंग, पर सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लिखना रहेगा? ब्रिंग. क्लाउड्स जो हैं वो अपने साथ क्या लेके आते हैं बच्चों? ब्रिंग. नंबर थ्री, वॉट इज द कलर ऑफ क्लाउड्स डेट ब्रिंग अस रेन. जो क्लाउड्स हैं वो कौन से कलर के होते हैं जो हमारे पास रेन लेके आते हैं? कौन से कलर के होते हैं वो? डार्क ग्रे, है ना. सी वंस अगेन आंसर द फॉलोइंग. वॉट इज द कलर ऑफ द स्काई. आंसर है द स्काई इज ब्लू इन कलर. आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो बेटा द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, है ना. क्वेश्चन नंबर टू, वॉट डू द क्लाउड्स ब्रिंग. क्लाउड्स अपने साथ में क्या लेके आते हैं? सो अभी आपने देखा होगा आपके घर के पास बारिश हुई होगी, सो वो बारिश कौन लेके आता है बेटा? क्लाउड्स. सो आपका आंसर रहेगा द क्लाउड्स ब्रिंग रेन. नंबर थ्री, वॉट इज द कलर ऑफ क्लाउड्स डैट ब्रिंग अस रेन. सो क्लाउड्स कौन से कलर के होते हैं जो हमारे पास क्या लेके आते हैं? रेन. सो आपका आंसर क्या रहेगा? डार्क ग्रीन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आंसर द फॉलोइंग समझ में आ गया होगा. सी वंस अगेन गिव मीनिंग है. गिव मीनिंग नंबर वन है क्लाउड्स. सो उसका आंसर क्या रहेगा बेटा? मीनिंग क्या रहेगा? मास ऑफ वाटर. नेक्स्ट है कूल, दैट मीन्स नेदर कूल नॉर वॉर्म, मीन्स बहुत ठंडा भी नहीं और बहुत गर्म भी नहीं. नेक्स्ट है ब्रिंग. ब्रिंग मीन्स लाना कुछ, है ना. टू कम विथ समथिंग मीन्स किसको चीज़ साथ में लेके आना. सी आंसर द फॉलोइंग. आपको आंसर द फॉलोइंग में क्या करना है बेटा? क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना है, उसके बाद आंसर फुल सेंटेंस में, मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना रहेगा, ओके बेटा. सी आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर वन, वॉट इज द कलर ऑफ द स्काई. सो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका आंसर द स्काई इज ब्लू इन कलर. बट आप बच्चों खुद से भी ऐसा लिख सकते हो द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. नेक्स्ट है वॉट डू द क्लाउड्स ब्रिंग. जो बादल हैं वो क्या लेके आते हैं? आपने पोयम में देखा था ना बेटा, एक लिटिल क्लाउड्स आता है, उसके साथ बहुत सारे बादल आते हैं और उसके बाद क्या होता है? रेन होती है ना. सो आपका आंसर क्या रहेगा? द क्लाउड्स ब्रिंग रेन. बादल क्या लेके आते हैं अपने साथ में? रेन. नेक्स्ट है वॉट इज द कलर ऑफ क्लाउड्स डैट ब्रिंग अस रेन.
बादल जो हैं वो कौन से कलर के होते हैं जो हमारे पास क्या लेके आते हैं? ग्रीन। सो आपका आंसर क्या रहेगा बेटा? डार्क ग्रे। जो डार्क ग्रे कलर के जो क्लाउड्स होते हैं आपने स्काई में देखा होगा, और वो हमारे हम कभी कभी उसको देख के ही हम लोग बोल देते हैं कि ये बारिश होगी। कब आप ऐसा बोल सकते हो? जब आप स्काई के अंदर डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स को देखते हो तभी आप बोलते हो कि अब ये क्या होगी, बारिश होगी, है ना बच्चों? नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में आपको ऐसी अम्ब्रेलास दी गई है जिसको कलर किया गया है, बट उसके जो हैंडल है उसको डॉट्स दिए गए हैं, उसको आपको ट्रेस करके लिखना है। ओके सो आपको दिखाई देता है फर्स्ट अम्ब्रेला, उसको ऐसे आपको ट्रेस करना है और आंसर में प्रॉपरली लिखना रहेगा। आपको दिखाई देता है ये पिक्चर। ओके बेटा कितने अम्ब्रेलास हैं? 1, 2, 3 and 4। कितने अम्ब्रेलास हैं? 4। और 4 अम्ब्रेलास को आपको ट्रेस करके अच्छे से करना रहेगा। नाउ सी हियर बेटा, आपका क्वेश्चन क्या है टेक्स्ट बुक में? मैच द वर्ड विद द पिक्चर। ऐसे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, उसके सामने पिक्चर्स किसके रिलेटेड है उसका नाम दिया गया है ना। सो आपको क्या करना रहेगा, ये जो है उसको रीड करना है, उसके सामने उसके जो पिक्चर्स हैं उसको देखना है ना। आप देखोगे और आपको मुझे पता है आप बच्चों ज़रूर समझ में आता होगा, है ना आपको। सो उसके बाद आपको क्या करना रहेगा बेटा, उसको उसके साथ मैच करना रहेगा। सो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है बेटा रेन, तो आपको रेनी सीजन वाला जो पिक्चर है उसके साथ मैच करना रहेगा, समझ में आया। दूसरा है चिल्ड्रन डांसिंग, और चिल्ड्रन डांसिंग का पिक्चर जहाँ पे है वहाँ पे आपको मैच करना रहेगा। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सिंगिंग, चिल्ड्रन कहाँ पे गाते हैं वहाँ पे वो पिक्चर के साथ आपको मैच करना रहेगा। नेक्स्ट है क्लाउड्स, जहाँ पे सिर्फ क्लाउड्स दिखाई देते हैं वहाँ पे आपको मैच करना रहेगा। नेक्स्ट है द स्काई, और सिर्फ जहाँ पे स्काई दिखाई देता है वहाँ पे आपको स्काई के साथ मैच करना है बेटा। ऐसे आपको क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सो आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना रहेगा। आपको आंसर द फॉलोइंग जो है वो भी अच्छे से रीड करना रहेगा, और आप अच्छे ताकि आप अच्छे से आपके एग्ज़ाम में आंसर द फॉलोइंग लिख सको, है ना बेटा। कोई भी आंसर द फॉलोइंग आपको छोड़ना नहीं है, आपको सोच समझ के बहुत अच्छे से लिखना है। ओके बेटा तो चलो हम लोग ये मैच द पिक्चर्स देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिखा है रेन, ये फर्स्ट है नहीं है, है ना। सेकेंड वाला पिक्चर रेनी है नहीं है, तो कौन सा पिक्चर है? थर्ड वाला, है ना। थर्ड वाला पिक्चर कैसा है? रेन। सो आपको ये आपको ब्लैक लाइन दिखाई देती है, हमने ब्लैक लाइन से मैच किया गया है, वो है रेन। मींस जहाँ पे बारिश पड़ती है उसे क्या कहते हैं? जो बारिश पड़ती है उसे रेन कहते हैं। सो आपको रेन के पिक्चर के साथ उसे मैच करना रहेगा। अब है आपका सेकेंड जो है वो चिल्ड्रन डांसिंग। तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला है, सेकेंड वाला, थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला नहीं, तो लास्ट में है नंबर फिफ्थ, वो है आपका चिल्ड्रन जो है वो डांसिंग कर रहे हैं। सो आपको ये ब्लू कलर दिखाई देती है, चिल्ड्रन डांसिंग को आपको लाइट ब्लू कलर से यहाँ पे मैच करना रहेगा, जो आपको दिखाई देता है बहुत अच्छे से ब्लू कलर से, है ना बेटा। नाउ नंबर थ्री है चिल्ड्रन सिंगिंग, बच्चे गा रहे हैं, ऐसा पिक्चर आपको ढूंढना है। देखो फर्स्ट वाला है नहीं, सेकेंड वाला नो, थर्ड वन नो, फोर्थ वन या राइट, है ना। सो फोर्थ वन है, यहाँ पे आपको दिखाई देता है मैम ने पर्पल कलर से इसको मैच किया है, है ना बच्चों। देखो यहाँ पे चिल्ड्रन सिंगिंग और बच्चे यहाँ पे गाते हुए पिक्चर हैं, उसके साथ आपको मैच करना रहेगा। चलो और है क्लाउड्स, यहाँ पे पिक्चर देखो बेटा, फर्स्ट वाला है नो, सेकेंड वाला है राइट। सो आपको यहाँ पे दिखाई देता है मैम ने क्लाउड्स वाले जो है उसके पिक्चर को ऑरेंज कलर से यहाँ पे मैच किया गया है, आपको दिखाई देता होगा, है ना बच्चों, प्रॉपरली, है ना। अब लास्ट वाला जो है द स्काई, अब सिर्फ आपको स्काई दिखाई देता है, ऐसा पिक्चर कौन सा है? देखो ये वाला नो, सेकेंड लास्ट नहीं, थर्ड वन नहीं, सेकेंड वन नहीं, यहाँ पे कौन सा वाला है? फर्स्ट वन। सो
सो आपको यहाँ पे द स्काई, उसको येलो कलर से मैंने मैच किया है फर्स्ट वाले द स्काई पिक्चर के साथ, है ना। सी वंस अगेन रेन का जो पिक्चर है उसको मैम ने ब्लैक कलर से मैच किया गया है जो आपको दिखाई देता है। मैम ने इसीलिए कलरिंग लाइन ली है ताकि आपको अच्छे से पता चले, है ना। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डांसिंग, चिल्ड्रन डांस करते हैं वो मैम ने लाइट ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, मैच किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट है चिल्ड्रन सिंगिंग, उसको मैम ने पर्पल कलर से मैच किया है। नेक्स्ट है क्लाउड्स, क्लाउड्स जो है उसको मैम ने ऑरेंज कलर से मैच किया गया है जो आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है द स्काई, जहाँ पे स्काई दिखाई देता है वहाँ पे मैम ने क्या लिया है येलो कलर, है ना। तो आपको येलो कलर की लाइन दिखाई देती है जहाँ पे मैम ने मैच किया है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू योर अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट्स में आपको क्या करना है, सी हियर लेट्स रीड एंड राइट। यहाँ पे लेटर्स कौन कौन से हैं, एम एन ओ पी क्यू एन आर। सो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसे डॉटेड वाले लेटर्स दिए गए होंगे, कौन कौन से, एम एन ओ पी क्यू एन आर। सो मैंने यहाँ पे आंसर में आपको बताया है आपको पेंसिल से ऐसे ट्रेस करके जो लेटर्स है उसको कंप्लीट करना रहेगा, मीन्स आपको ये डॉटेड जो है उसको ट्रेस करके प्रॉपरली लिखना रहेगा। ओके बेटा, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज ऑफ क्लाउड्स पोम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एज वेल एज सी डब्ल्यू एक्सरसाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टे होम, स्टे सेफ, जज़ाकअल्लाह।